ओके, अस्सलाम वालेकुम। टुडे इस वीडियो में मैं बताने लगी हूँ कि व्हाट इज़ द इजीएस्ट वे टू ड्रॉ द डर्मेटोम्स ऑफ लोअर लिम। बहुत मजाक में, फन में वील ड्रॉ इट। लेट अस सी, स्टार्ट करते हैं। मैं लेफ्ट लेग के हिसाब से बताऊँगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। जस्ट इन 1 or 2 मिनट्स, बल्कि उससे भी कम टाइम में यू आर एबल टू ड्रॉ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जैसे कह रही हूँ वैसे ही सेम करना। हाथ अपना रखना ऐसे पेपर पे, मार्क 2 पॉइंट्स यहाँ से लेकर, एक पॉइंट इस लेंथ पे फिंगर के स्टार्ट पे और दूसरा पॉइंट जहाँ पर ये हमारा फिंगर ये पूरी लेंथ ख़त्म हो रही है, 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए। इस लेंथ का हमने फुट ड्रॉ करना है जिसके हिसाब से हम डर्मेटोम्स ड्रॉ करेंगे। लेफ़्ट फुट मैं ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत लेफ्ट लेग आई मीन। बहुत सारे लोगों को तो लेग ड्रॉ करनी आती है लेकिन कुछ लोगों को सही नहीं आती, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि लेग ड्रॉ करने का आसान तरीका, एक बल्ज, छोटा सा बल्ज, फिर एक बल्ज एंड देन फुट। ये बिग टो आ गया, फुट सेम, छोटा एक बल्ज, एक छोटा सा बल्ज एंड एक बड़ा बल्ज एंड दे, दिस इज़ द होल लेग। ज़्यादा प्यारी तो मैंने ड्रॉ नहीं की, बहरहाल गुजारा हो ही जाएगा, थोड़ी सी अच्छी ड्रॉ कर लेना। देन अब देखते हैं कि इसको हम कितने आराम से ड्रॉ कर लेंगे। अपनी ऐसे फिंगर रखें एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क का पॉइंट, ये हमारा टर्मिनल फैलिंग्स है। इस टर्मिनल फेलिंग्स के मिड पॉइंट पे मार्क अ पॉइंट लाइक दिस, इन द सेंटर ऑफ दिस टर्मिनल फेलिंग्स। देन दूसरा पॉइंट मार्क करना है टर्मिनल फेलिंग्स की जो क्रीज है, लाइन है, मार्क अनदर पॉइंट हियर। थर्ड पॉइंट मार्क करना है जो हमारा मिडिल फेलिंग्स है उसके सेंटर में। 3 पॉइंट्स मार्क कर दिए। अब देखने कितने मज़े से ड्रॉ होता है। पहले वीडियो देखना एंड देन ड्रॉ इट योर सेल्फ विद मी। सबसे पहले 3 लाइन्स ब्यूटिफुली, 1, 2, 3, 3 ब्यूटीफुल लाइन्स ड्रॉ करनी है। देन ये मैंने कहा कि जितना पहली वाली इसकी लेंथ है, मेरी उंगली के स्टार्ट से लेकर इस पहले डॉट तक, उंगली का स्टार्ट रखना है इस लाइन के स्टार्ट पे लाइक दिस। एंड ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया था जहाँ पर ये कोइंसाइड करेगा इस लाइन के साथ, वहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है यूं करके। जो बिग टो वाली साइड पर हमने सब कुछ रखना है और जो स्मॉल टो वाली साइड होगी उसका डिस्टेंस जो हम इधर बीच का रखेंगे वो सेम ही रखेंगे, इतना इतना, और बाकियों का भी इतना ही रखेंगे। देन दोबारा फिंगर टिप यहाँ पर रखनी है एंड जो पॉइंट पहला ही मार्क किया था उसी को कोइंसाइड कराने लाइन के साथ जहाँ पर वो करेगा लाइक दिस। ये यहाँ पर कर रहा है, यहीं से ऐसे पीछे की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है, वो डिस्टेंस सेम रहेगा। तीसरी दफ़ा क्या करना है, फिर से फिंगर टिप यहाँ पर रखनी है अगली लाइन जहाँ पर कोइंसाइड कर रही है, उसके दोबारा फिंगर को साथ रखना है। अब जो हमने सेकेंड पॉइंट ये वाला मार्क किया था ऐसे करके, यहाँ पर जहाँ कोइंसाइड करेगा इस जगह कर रहा है, यहाँ से लाइन लेके जानी है बैकवर्ड्स लाइक दिस। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट, अब उंगली दोबारा यहाँ रखनी है टिप के साथ, और अब जो हमारा लास्ट पॉइंट था ये वाला जहाँ ये कोइंसाइड करेगा वहाँ से हमने लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस। अब ये बिल्कुल एंड पे बिग टो के साथ यहाँ कोइंसाइड कर रहा है, आई विल ड्रॉ ए लाइन लाइक दिस। ये हमारी लाइन्स होगी। लास्ट लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है, एक 3 ब्यूटीफुल लाइन्स हमने यहाँ ऊपर ड्रॉ की थी, एक ब्यूटीफुल लाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे छोटू सी, बस। ये हमारे इंटीरियर के डर्मेटोम्स कंप्लीट हो गए एग्जैक्ट लेंथ के साथ। इतनी एग्जैक्ट लेंथ है कि क्या बताऊँ। नंबरिंग देनी है तो इंटीरियर साइड पे सारे नंबर लिखते हैं जो मेन होते हैं, L1, L2, L3, L4, L5। इस साइड पे S2 आ जाएगा, यहाँ S1 लिखना है छोटू सा। ये जो हमें छोटू सा S1 नज़र नहीं आ रहा होता, हाली लिखते होते हैं। और ये जो 3 हमने बनाए थे ऊपर, ये T10, 11 एंड 12 है। इस तरह हमारी सारी की सारी कंप्लीट हो जाती है। वीडियो में एक दफ़ा देखनी है देन उसको खुद से बनाना है, बहुत आसान है। इस तरह फिंगर के साथ करेंगे बस, जस्ट इन सेकेंड्स यूं यूं करेंगे आप, तो आपके 1 मिनट भी नहीं लगेगा, योर इज़ कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी अगली वीडियो में मैं पोस्टीरियर साइड बताती हूँ।